ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਐਡੇ ਠੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਜੀ। जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है उसका सीन ये है कि अभी जो पाकिस्तान में ट्रेंड है वो मलेशिया का है। हर बंदा मलेशिया में आना चाह रहा है, लेकिन अगर हम किसी को बोलेंगे ना अपनी ज़ुबान से कि यार मलेशिया के हालात नहीं सही, तो वो लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको उन लोगों से बुलवाऊँगा जो अभी नए पाकिस्तान से आए हैं, और वो आपको बताएँगे कि अभी मलेशिया में क्या हालात चल रहे हैं और काम मिलता है या नहीं मिलता है। इसलिए आज मेरे साथ मौजूद है मेरा एक दोस्त, अभी पाकिस्तान से नया आया, तो उससे पूछते हैं। अच्छा, मैं भाई से पूछता हूँ कि बात पंजाबी में करेंगे या उर्दू में? पंजाबी में। अच्छा जी, भाई कह रहे हैं पंजाबी में बात करनी है, तो अभी ये जो वीडियो है ये सारी पंजाबी में बनाए गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है भाई तेरा? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का, तुसी सुनाओ जी? करम है अल्लाह का, ठीक ठाक। ते की नाम तेरा? मेरा नाम तैयब है भाई जान। पाकिस्तान केड़े शहर तो? मैं गुजरांवाले तो। सही है जी। ते मलेशिया च कितना टाइम हो गया तेनू? मैनू तकरीबन 2.5 महीने हो गए। सही है। ते पाकिस्तान केड़ा काम करदे रहे हो? मैं गुजरांवाले सब्ज़ मंडी पल्लेदारी का काम करता हूं जी। ते पाकिस्तान तुसी 1 महीने का काम करके कितने पैसे कमा लेंगे सो 1 महीने च? महीने का तो नहीं, बरहाल सीजन साडा होंदा है, ठीक है ना, ते सीजन दे विच जिहड़ा ना 2 महीनों का भी सीजन साडा होंदा है, 2.5 महीनों का भी होंदा है। 2 महीने वाला जिहड़ा होंदा उहदे विच तकरीबन मैं 2.5 लाख रुपया कमा लैंदा वा, ठीक है ना, अलहमदुलिल्लाह। ते उस तो बाद जिहड़ा 6 महीनों तक साडा सीजन होंदा है उहदे विच वी माशाल्लाह काफ़ी पैसे जिहड़ा ना कमा लईदे ने, कम शम ठीक है, शुक्र अल्लाह दा। ते तुहानू मलेशिया आउण दा किन्ने मशवरा दित्ता पाकिस्तान, तुसी चंगे भले पैसे कमांदे सो? मशवरा मैनू दित्ता सी मेरा एक कज़न सी, उहने मशवरा दित्ता सी, उन्हें आखिया मलेशिया भी जिहड़ा ना कम शम ठीक है, मेरा दोस्त एक हुंदा है ते मैं तैनू मलेशिया खिला दिंदा। मैं कहा चलो सही है, करिया जी गलबात। तुसी उन्हां सारी गलबात कीती, कर करा के उन्हें फिर मैनू दस्सिया जो प्रोसीजर हुंदा है, ते फिर मैं उस हिसाब नाल जिहड़ा ना मलेशिया विच आया हां। ते मलेशिया आन तक तुहाडा टोटल कितना खर्चा आ गया? मेरा मलेशिया आन तकरां भाई जान तकरीबन 8 लाख रुपया खर्चा आ गया। केड़ा वीजा तुहाडे कोल, परमिट केड़ा, कंस्ट्रक्शन दा या दूसरा? मेरे को कंस्ट्रक्शन दा परमिट है भाई जान। सही है सही है। ते जिहड़ा तुहाडा दोस्त है या कज़न है उन्हें तुहानू दस्सिया होना कि 2 लाख 3 लाख मलेशिया दे विच कमाईदा, ते आ के हुण तुसीं किन्ने कमा रहे हो? उन्हें तो कज़न ने तो भाई जान बड़ा दसिया ही कि बंदा महीने का 2 लाख भी कमा लेंदा, 2.5 लाख भी कम जे करे ठीक है। तो बरहाल असी जदों दे आए हैं सानू 2.5 महीने हो गए ना, असी जलील हो गए हैं इतने, कोई कम शम नहीं है ठीक है ना। दूसरे भाइयों ने भी साडा यही मशवरा है कि जिहड़ा ना तुसी ना ही आओ तो बेहतर है ठीक है, जे आना तो तुसी किसी नाल सलाह मशवरा अच्छे तरीके नाल करके तो फिर आओ। मतलब जिहड़े नवे लोग आने वाले ने उन्होंने तुसी ये मशवरा दे रहे हो कि हजे वेट कर लो, हजे मलेशिया दे विच हालात डाउन ने, लेकिन इंशाल्लाह अगों हालात बेहतर हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल, यही हालात ने, इत्थे काम जिहड़ा ना अजकल कोनी है ठीक है, तो वेट थोड़ा कर लैन अपना महीना दो जिहड़ा ना सबर कर लैन, अगले 2024 दे विच जिहड़ा ना इंशाल्लाह काम शम जिहड़ा ना सही सैट हो जाएंगे इत्थे। अच्छा, जिहड़े भाई मलेशिया च विजिट दे विच आना चाह रहे ने उन्होंने की मशवरा तुहाडा? ओ भाई जान उन्होंने अगे तो साड़ी अपील है, हाथ जोड़ के वह भरावान अगे उन्होंने मेहरबानी है जो साड़ी मान लैन गए ठीक है, वो ना ही आ तो चंगी गल है मलेशिया दे विच विजिट ते ठीक है। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जे आना है तो अपना परमिट वीज़ा लैके, कालंग का वीज़ा लैके तो फिर आन ठीक है। तुहाडे कोल परमिट भी है, कंस्ट्रक्शन का सब कुछ है, तुहानू कम नहीं है लगता पाया, कम के हालात डाउन ने, इहदा मतलब है विजिट वाले आके जलील होंगे? जी जी बिल्कुल, अगे भी हालात इंजे होए ने, इत्थे सख्ती बड़ी हुई है, विजिट वाले जिन्हें भी ने सारे चुकी आ रहे हैं, चौके सठी आ रहे हैं पाकिस्तान ठीक है ना। उस तो बाद जिन्हें आना है वह अपना परमिट तो आवे, आके अपना कम शम सुकून के नाल तसली दे नाल करे, कोई टेंशन परेशानी नहीं होएगी ठीक है ना। तुहानू 2.5 महीने हो गए ने मलेशिया दे विच, ते हजे तक तुहानू कोई काम वगैरह मिलिया या नहीं, केड़ा काम हुण तुसी कर रहे हो? नहीं भाई जान फिलहाल ते हले तिकरां ते कोई नहीं, उम्मीद नहीं है किसी काम की, हुण 2-3 दिन हो गए ने, मैनू काम एक लभा है, मैं उत्थे लगा वा ठीक है ना, क्लीन वाली दुकान है, मैं उत्थे क्लीन जिहड़ा ना सेल कर रहा वा। सही है सही है। तो उत्थे तुहानू 1 दिन का किन्ना मिल जाता? मैनू उत्थे तकरीबन 60 रुपये मिल जाते हैं भाई जान दिहाड़ी दे, उहदे विच ही खाण पीण सब नहीं, ते उहदे विच 60 रुपये दिहाड़ी है, ते किन्ने घंटे काम? उहदे विच 60 रुपये दिहाड़ी है, ते
11 घंटे काम है जी भाई जान। ठीक है, खाना पीना रहायश सारा कुछ तुहाडा अपना? जी जी बिल्कुल, सब कुछ अपना, रहायश भी अपनी है, खाना पीना भी अपना है। ठीक है, होर भी कुछ है तो खाने का दिल करना है तो भी अपने पल्यों खानी है। ठीक है ना, तो कम की सख्त है या नॉर्मल ही कम है? नहीं कम तो बरा ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, बह के काम करने वाला काम है। ठीक है, पाकिस्तान कोई शादी शुदी की थी जी? नहीं नहीं शादी है ये कितने साढ़े मुकद्दर एडे ठंडे ने साड़ी कितने शादी होनी चाहिए? तो बड़ा हराम ही हो बेटा, पाकिस्तान के महबूबा तो होनी है ना जिन्होंने लारा लाया होना है। तुम मेरा वेट करो, मैं डॉलर लेके आऊंगा बोरियों में। हाँ नहीं नहीं ऐसी कोई गल नहीं है भाई जान, साड़ी कोई नहीं है मशूक एडे मुकद्दर ठंडे ने यार। कोई नहीं, अल्लाह पाक तुहाडा कोई ना कोई करनगे वसीला, दिल छुटा नहीं करना। एशिया दे विच अगर तुसी कोई भी काम करते हो तो घट तुहानू 12 घंटे तो कम करना ही पैंदा। जी जी बिल्कुल हाँ जी, घट तो घट भी जिहड़ा ना 12 घंटे कम करना पैंदा सानू। तुहानू 2.5 महीने हो गए ने पाकिस्तान तो आए हो मलेशिया च, क्योंकि मलेशिया के खाने पाकिस्तान के खाने थोड़े मुख्तलिफ ने, उन्हां च की फर्क लगा दोवां मुल्कां दे खानिआं च? फर्क तो कोई नहीं बिलहाल भाई जान, तो ये इतने फर्क ठीक है, उत्थे जरा रोटी मिलती है, पाकिस्तान किसी भी होटल से चले जाओ या घर भी रोटी मिलती है। ठीक है ना, इतने किसी होटल से जाइए पाकिस्तानी होटल होवे ठीक है ना, उत्थे रोटी मिलती है, नान भी मिल जाते हैं उतों। ठीक है, इतने जरा ना होर किसी भी है जेडे मलाइया के होटल होंगे ने ठीक है, इन्हों तो नहीं रोटी मिलती, उत्थे ज़्यादातर चावल मिलते हैं, नाल चावलों के उत्ते छोरा पाक तो वह खाने पैंते हैं। मलेशिया के एक चीज़ बड़ी कामन है कि अगर तुम अपने घर तो बाहर निकलना है भावें तुम दुकान पर भी जाना है तो तुम्हें पासपोर्ट अपना नाल रखना पेगा, यह गल कैसी हकीकत है कि ये कुछ झूठ है? नहीं नहीं ये गल 100% ठीक है भाई जान, इतने जरा ना अपना पासपोर्ट लैके जाना पैंता, बाहर निकलना पैंता, जे पासपोर्ट ना कोल हो बुरे वक्त का कोई पता नहीं होंदा है। ठीक है, 8-9 लाख रुपया लाया होंदा, जाया हो जाता, इतने पुलिस वाले जोड़े ना वो फड़ लेंगे ने। अच्छा, मलेशिया का जोड़ा मौसम है ये रोमांटिक टाइप मौसम है, मिनट बाद बारिश होने लग पी है तो मिनट बाद धुप निकल आती है, ये बारे की ख्याल है? जो बारिश होंगी किसी की याद आती है? नहीं साड़ी कोई ऐसी नहीं है जिंद सू याद आनी हो भाई जान, ये मलेशिया जरा ना मौसम भी ठीक रहा ठीक ना, 12 महीने ना एड्डी गर्मी होंगी है ना एड्डी सर्दी होंगी है, नॉर्मल जहा मौसम रहा, बारिश होने लग पी है 10 मिनटों बाद धुप निकल आती है, बारिश होने लग पी धुप निकल आती है। अच्छा हूँ जी मेन चीज़ है, तुम मैं ये दसो कि जोड़ा तुम काम कर रहे हो उतो तू 60 रुपये मिलते हैं रोज़ के, तुहाडा खर्चा करके रूम रेंट सारा कुछ कढ़ के किन्ने तुहानू बच जाते हैं? सानू बच जाना महीने का जोड़ा ना खर्चा कर कुर के जोड़ा ना महीने का 1000 रुपया सिर्फ बचता जे, हिसाब किताब है साडा इतने। तो इस टाइम जो रेट चलता पे मेरे ख्याल पाकिस्तान 60-62 हज़ार ही बनता पे 1000 रिंगट का, तो इन्हें तो तुम माशाल्लाह पाकिस्तान ही कमा रहे सो? जी जी बिल्कुल उत्थे कमा रहे स बहुत वड्डा। अच्छा मलेशिया एक जड़ा बंदा उदा अपना खान पीन खर्चा महीने का नॉर्मल, ज़्यादा हाई लैवल नहीं, नॉर्मल किन्ना हो जाता किन्ने 100 रिंगट? जी भाई जान इतने रूम का रेंट पा के अपना जो भी खान पीन होंगे ना सब कुछ खा पी के जड़ा ना इतने 500 रुपया जड़ा ना आ जाता खर्चा। मतलब ज़्यादा तुसी नहीं हैवी खाना, नॉर्मल एक रूटीन के नाल खाना खा के 500 रिंगट एक बंदे का एक महीने का खर्चा आ जाता है, मतलब जिनी भी सैलरी है वो 500 तुहानू अपने वास्ते रखना पैंदा? जी जी बिल्कुल है जी गल। तुहाडे कोल जिहड़ा परमिट है कंस्ट्रक्शन का परमिट है, तो कंस्ट्रक्शन का परमिट जिहड़ा वो रीन्यू भी महंगा हुंदा है, तकरीबन 3500-3700 रिंगट लग जाता है, वो तुसां आप ही रीन्यू करवाउंदा हुंदा या कंपनी करवा के देंदी है या जिहड़े एजेंट ने तुहानू बुलाया वो करवा के देंदा? नहीं भाई जान इत्थे जिहड़ा बॉस हुंदा ना मलेशिया दे विच जिन्हें सद्या हुंदा उन्हें रीन्यू करा के देना हुंदा ठीक ना, उहदी फीस हुंदी है 3500-3700-4000 रुपया ठीक है ना, यह फीस चलती है भाई इतने। तो वह तुसा देने होंगे ने पैसे वाले? जी जी बिल्कुल वो असी देने होंगे ने भाई जान पैसे। यदा मतलब है फिर 2 महीने की ताड़ी तनखा 2-2.5 महीने की वो रीन्यू परमिट की लग जाती है? हाँ जी बिल्कुल है जी गल, 2 महीने की जरा ना पक्की मस्त तनखा जी होंगी ना वो रीन्यू कराने लग जाती है। अच्छा पाकिस्तान की तो फिर याद आती होनी है 2-2.5 महीने हो गए घर तो दूर हो? जी जी यही सूरत हाल है, पहला जो आए हैं ना नवे नवे उदों 8-10 दिन थोड़ी जी तंगी हुई है, हूँ अल्लाह खैर करे दिल दुल लग गया कोई याद नहीं आती, हूँ पाकिस्तान के जो जे हालात होए ना भाई जान दिल लाना पैना ठीक है ना, उत्थे बस हूँ इत्थे ख्याल जेन दे विच हुंदा है पैसे कमाइए तो पिछे घलीए घर दा जिहड़ा सुख दईए।
अच्छा जी अज की यह वीडियो से मेरे नाल तैयब भाई मौजूद सन जेडे मेरे शहर दिन मैं भी गुजराले दें यह भी गुजराले दें तो उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि उन्होंने जबानी तुम सारा कुछ सुने उन्होंने ढाई महीने हो गए मलेशिया आया जो उन्होंने एक्सपीरियंस रहा उन्होंने शेयर किया उम्मीद करते हैं तुम्हें वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल में सबसक्राइब करना नहीं भूलना इंशाल्लाह इस तरह की नवी इनफॉर्मेटिव वीडियो तेजे लाजमी बनावे पाकिस्तान जिंदाबाद।